हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दून टेस्ट में। आज की रेसिपी होने वाली है चिकन तंदूरी, जो कि हम लोग अपने घर के ही मसाले से और गैस में इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बहुत ही स्मोकी फ्लेवर का विदाउट हम लोग तेल के इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये मेरा चिकन 700 ग्राम का है, तो इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। अब वॉश करने के बाद में अब इसको हमें अच्छी तरीके से चाकू की हेल्प से हर जगह से हमें कट के निशान लगाने हैं। तो आप इसके पूरे चारों तरफ से चिकन में चाकू से अच्छी तरीके से सब जगह कट के निशान लगा दीजिएगा। तो गहरे गहरे आप इसमें अच्छे से कट के निशान लगा दीजिएगा। इसमें ये है कि फिर हमारे ये मसाला अंदर तक चला जाएगा। अब मैंने एक बाउल में पानी लिया है, उसमें मैंने ये नमक ऐड किया है और थोड़ा सा इसमें हमने विनेगर ऐड किया है। अगर विनेगर है तो ठीक है, नहीं तो आप नींबू का रस भी इसमें ऐड कर सकती हैं। अब इसमें फिर इन सब इस पानी में हमें ये चिकन इसमें डाल देना है और इसको अच्छी तरीके से इस पानी में आपको डुबो देना है चिकन को, और डुबो कर 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको रख दीजिएगा। अब इसके बाद हम इसका बैटर तैयार करते हैं। तो एक बाउल में मैंने ये दही लिया है, तो दही हमारा एकदम थिक होना चाहिए, पानी वाला दही नहीं होना चाहिए, वरना हमारा ये बैटर ख़राब हो जाएगा। तो ये मैंने एकदम थिक दही लिया है। अब दही लेने के बाद में इसमें मैंने थोड़ा सा ये नमक ऐड किया है, तो इसमें मैंने नमक ऐड करने के बाद में ये पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च मैंने एक चम्मच इसमें ऐड करी है। और कश्मीरी लाल मिर्च के बाद में फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ये हल्दी पाउडर ऐड किया है। हल्दी पाउडर के बाद में मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, और इसमें थोड़ा हमने इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड किया है। अब चाट मसाला के बाद में फिर अब इसमें मैंने एक से दो चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट ऐड किया है, और एक से दो चम्मच इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। और लहसुन के पेस्ट के बाद में ये मैंने इसमें भुना हुआ ज़ीरा पाउडर एक चम्मच ऐड किया है, और थोड़ा सा ये रेड कलर का फूड कलर इसमें ऐड किया है, और थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है, और उसके बाद में ये थोड़ा सा गर्म मसाला इसमें हमने ऐड किया है, और फिर थोड़ा सा इसमें हमने सरसों का ऑयल ऐड किया है, और सरसों के ऑयल के बाद में थोड़ा सा मैंने इसमें हल्का सा मैदा ऐड किया है। और अब इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, और खूब अच्छे से इसे हमें मिक्स करके एक अच्छा सा बैटर बनाना है कि इसमें हमारे लम्स ना होने पाए, इसलिए खूब अच्छे से आप इसको मिक्स कीजिएगा। और ये देखिए अब हमारा ये चिकन का बैटर बनकर रेडी हो गया है। तो ये ज़्यादा ना तो पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। अब इसके बाद में फिर हमने ये चिकन एक साइड में निकाल लिया है, पानी इसको हमें इसका पानी हटा देना है। अभी खाली चिकन लिया है हमने। अब इस चिकन को फिर हमने इस बैटर में हमें इसमें डाल दिया है इस चिकन को, और अब ये पूरा जो मसाला है हमारा इस चिकन में अच्छी तरीके से हमें मसल मसल कर लगाना है। तो जितनी अच्छी तरीके से हो सके चारों तरफ से खूब अच्छे से मसाला इसमें भर दीजिएगा, और अंदर की तरफ भी इसमें आप मसाला अच्छे से लगा दीजिएगा, उसको अंदर भी आपको इसमें मसाला डाल दीजिएगा खूब अच्छी तरीके से। अब ये देखिए हमारा चिकन अच्छे से पूरे मसाले में ये लग चुका है। अब एक बर्तन में मैंने इसको हमें चिकन को स्टीम देना है, तो थोड़ा पानी मैंने डाला था, अब उसके ऊपर एक प्लेट रख के और अब इस चिकन को हम स्टीम देंगे। तो अब इसको अब हम कुक कर रहे हैं। तो ये देखिए ये 10 से 15 मिनट के लिए आप मीडियम फ्लेम में इसे कुक होने दीजिएगा। फिर ये देखिए मैंने चाकू की हेल्प से देखा है, तो ये सॉफ्ट हो गया है चिकन, क्योंकि ये हमारा छोटा चिकन था तो जल्दी हमारा ये कुक हो गया है। तो अब इस चिकन को हम बाहर निकाल लेंगे, और उसके बाद में इसको हमें तंदूरी सा फ्लेवर लाने के लिए गैस में इसको हमें ये कुक करना है। तो अब हमें इसे गैस में इसको खूब अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम में इसे कुक करेंगे, और जो हमारा ये जो मसाला था, जो अंदर हमारा था मसाला, उसको हमने फिर से ब्रश की हेल्प से चारों तरफ से अच्छे से लगा देना है। तो जो आपका मसाला जहाँ से अगर निकल भी जाए तो उसे अच्छी तरीके से आप ऐसे पूरे ब्रश की हेल्प से लगा दीजिएगा। अभी देखिए गैस में एक साइड से ये हमारा चिकन अच्छे से पक कर रेडी हो गया है। इसी तरीके से चारों तरफ से हमें इसे घुमा घुमा कर चिकन को पकाना है। तो ये चारों तरफ से हमें अच्छी तरीके से चिकन कुक करना है, और देखिए इसमें
थोड़ा सा मैंने इसमें कसूरी मेथी इसमें लगा दी थी, क्योंकि मुझे कसूरी मेथी का टेस्ट अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद हो कसूरी मेथी तो ऐड कीजिएगा, वरना आप स्किप कर दीजिएगा। तो ये देखिए हमारा स्मोकी फ्लेवर का घर में ही ये तंदूरी चिकन बनकर रेडी हो गया है। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी चिकन है। तो आप घर में ही अपने घर के मसालों से अपना तंदूरी चिकन हम लोग घर में बनाकर रेडी कर सकते हैं।